हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे और आपके चैनल में जिसका नाम है एके एडवाइस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक प्रोफेशनल एनिमेशन वीडियोस। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाएं, वो भी आसान तरीके से। अगर आप यूज करते हो एनिमेशन वीडियोस आपके प्रेजेंटेशन के लिए या फिर वीडियोस के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप एनिमेशन यूज करते हो तो आपके प्रेजेंटेशन को और आपके वीडियोस को लोग फोकस करते हैं और आपकी जो बात है वो आसानी से समझ जाते हैं। इसके लिए बहुत ही बेहतर जरिया है एनिमेशन वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि कैसे बनाते हैं एनिमेशन वीडियोस, वो भी बहुत आसान तरीके से और कम समय में। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, उसके पीछे का मेरा एक ही इंटेंशन होता है कि आपको कोई भी बात कम समय में और आसान तरीके से समझ में आए। और इसी इंटेंशन के साथ मैं आज का भी वीडियो लाया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक मैंने ऐप ओपन किया है, उसका नाम है वीडियोस्क्राइब। दोस्तों, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिलेगा, लेकिन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आपको ये वाला इंटरफेस नहीं मिलेगा। और ये किधर से डाउनलोड करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में। उससे पहले हम देखेंगे कि कैसे बनाए वीडियो एनिमेशन इस ऐप के जरिए से, और एक वेबसाइट के भी जरिए से हम बना सकते हैं एनिमेशन वीडियोस, वो भी बहुत आसान तरीके से। वो वेबसाइट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम इस ऐप का इंटरफेस और इस ऐप से कैसे बनाए एनिमेशन वीडियोस वो देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्लस का सिंबल है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है हमारा प्रोजेक्ट या एनिमेशन वीडियो स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है एनिमेशंस में यूज करने के लिए। तो फर्स्ट वाला जो है वो है इमेजेस के लिए है। अगर आपको कोई भी इमेज चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है। अगर मैं इधर सर्च करता हूँ मैन और सर्च कर देता हूँ तो मेरे सामने जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज आ जाएंगे। तो हमें इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके यूज करना है। तो अगर मैं यूज करता हूँ ये सेकंड वाला, तो ये इधर स्क्रीन के ऊपर अपने फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। तो हमें इधर से उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको किधर एडजस्ट करना है उधर एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही में आप इधर नीचे क्लिक करने के बाद देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन से हमें, और ये जो है टाइम है 30 सेकंड है अभी इसका टाइम, तो मैं इस टाइम को थोड़ा कम कर दूंगा, क्योंकि 30 सेकंड जो है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ 5 सेकंड डन। और अगर आपको इसमें टेक्स्ट डालना है तो ये सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट डालने के लिए आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको टाइप करना है जो भी लिखना है। अगर मैं इधर एग्जांपल के तौर के लिए लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स लिखता हूँ, तो आप इसका कलर, अगर अलग कलर चाहिए आपको तो वो कलर भी आप अलग ले सकते हो। इसको इधर से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिधर आपको इसको सेट करना है उधर आप सेट कर सकते हो। अगर मैं आपको इसकी, अभी तक हमने बस दो ही चीज़ें डाली, इसका छोटा सा एक एग्जांपल देखा हूँ चालू करके, तो वो कुछ ऐसा लगेगा। देखा, बहुत ही, बोला था मैं बहुत ही आसान तरीके से को बताऊंगा, बहुत ही आसानी करने के लिए। अगर आप फर्स्ट बार भी इस ऐप को यूज करते हो तो फर्स्ट बार में भी आप अच्छा एनिमेशन बना सकते हो। और अगर आप इसे बार बार यूज करते हो, ज़्यादा यूज करते हो, तो आप बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन यूज कर सकते हो। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आप इधर देख सकते हो, इधर ऑप्शन से म्यूजिक का लोगो जो है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने म्यूजिक आ जाएंगे। बहुत सारे म्यूजिक से आप सोच भी नहीं सकते, इतने सारे म्यूजिक आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप आपके प्रेजेंटेशन के पीछे एनिमेशन में कुछ म्यूजिक डालना चाहते हो तो आप इधर से सिंपली सिलेक्ट करके म्यूजिक भी डाल सकते हो। और ये लास्ट वाला ऑप्शन है माइक का सिंबल, आप देख रहे हो माइक का सिंबल, मतलब अगर उसके ऊपर आप क्लिक करते हो
तो आप जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग सारी हो जाएंगी, और उस तरह से भी आप आपकी वीडियो में अपने वॉइस का यूज़ कर सकते हो या अपने प्रेजेंटेशन में उसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, आप एक वेबसाइट है उसके ऊपर भी एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। उसका भी इंटरफेस कुछ इस तरह ही है, बस उसमें जो ऑप्शन है, उसमें जो फीचर्स है वो थोड़े इससे ज़्यादा है। तो आप उसके ऊपर जाके भी एनिमेशन वीडियो जो है बना सकते हो, वो भी सिंपल है। और उस वेबसाइट का नाम है पाउटून। यस, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप भी एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया था, आपको प्ले स्टोर से ये जो ऐप है वीडियोस्क्राइब, उसे डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ऐसा इंटरफेस आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली करना ये है कि जाना है गूगल पर, गूगल के ऊपर सर्च करना है वीडियोस्क्राइब। वीडियोस्क्राइब सर्च करने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट वीडियोस्क्राइब का आ जाएगा, उसके ऊपर से आपको डाउनलोड करना है ये ऐप आपके फ़ोन में, या फिर आपको पीसी में चाहिए तो पीसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।